नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता में शनिवार को नगर विधानसभा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था संबंधित बैठक मोहद्दीपुर स्थित जोन कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में नगर विधायक ने विद्युत व्यवस्था के 5 बिंदुओं को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने बताया कि चीफ इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता सहित SDO के साथ प्रथम चरण की बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 5 बिंदुओं पर खाका तैयार किया गया है, जिसके तहत विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नगर विधानसभा क्षेत्र का सर्वे करके 17 अगस्त तक रिपोर्ट दें। उसके पश्चात विद्युत व्यवस्था को और बेहतर करने की मुहिम चलाई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा, कैसी वोल्टेज मिल रही है, कितने घंटे मिल रही है, कितनी कटिंग हो रही है, कितना फॉल्ट आ रहा है, उस फॉल्ट को कितने घंटे बाद ठीक किया जा रहा है, गुणवत्ता को लेकर दूसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या आपसे लटके हैं, इसलिए वो गिरे तो किधर गिरे, कौन से कितने ऐसे पोल हैं किस खंड में जो जर्जर हो चुके हैं, हो गया। तीसरी चीज, तार का डिटेल, ये नहीं कि हनुमत नगर में बात बल्ली का तार है, ये कोई रिपोर्ट नहीं है। इस बात बल्ली को हटाने के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी होगी हमने बता दिया, 40 मीटर के ऊपर नहीं लग सकता है, 5 लाख का एस्टीमेट आएगा, 4 लाख का एस्टीमेट आएगा, 3 लाख का एस्टीमेट आएगा, अब उसके बाद वो मजबूर होता है आपके कनेक्शन लगवाने के लिए, नहीं लगना है तो आपने लगाया क्यों, आपने बताया, माहौल पैदा किया और मांग बेचा आपने, धन कमाया और नागरिक मरे तो आपसे मतलब नहीं। चौथी चीज, कहां कहां बांस बल्ली पर तार नहीं, ओरिजिनल तार है लेकिन जर्जर तार, जैसे कल मैंने हनुमत नगर में देखा वहां खंभे लगे लेकिन तार जर्जर। और अंतिम चीज, मैं जानता हूं कि कोई हाई टेंशन वायर मकान के ऊपर से नहीं गया, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि हाई टेंशन वायर के नीचे मकान बनवाया गया है, मैं जानता हूं, ठीक है। सवाल ये है कि जब वो हाई टेंशन के नीचे मकान बन रहा था तो आपकी जिम्मेदारी क्या थी, जब आपने हाई टेंशन के नीचे मकान देखा तो बिजली अधिनियम का उल्लंघन करके आपने उसको बिजली का कनेक्शन कैसे दिया, उसके घर बिजली कैसे पहुंची, अगर आपने बिजली पहुंचाई है यानी उसका कनेक्शन और उसका हाई टेंशन वायर के नीचे मकान बनाया जाना वैधानिक है, अन्यथा आप कहते कि हम इस हाई टेंशन वायर के नीचे जो मकान बना है इसको बिजली का कनेक्शन नहीं देंगे, मैं गलत कह रहा हूं तो आपको अभी बोलने का अधिकार मिलेगा, मैं आपको सुनूंगा, एक तरफा बात में नहीं करता, आप कहिए नहीं चाहे कि आप गलत, मैं सुनूंगा। ये गोरखपुर नगर विधानसभा की विद्युत व्यवस्था को लेकर के नागरिकों की बहुत सी शिकायतें हैं, उनकी शिकायतें हैं बांस बल्ली पर चल रहे कनेक्शन की, उनकी शिकायतें हैं जमीन तक झूल रहे जर्जर तारों की, उनकी शिकायतें हैं जर्जर पोलों की, उनकी शिकायतें हैं मकानों से छूकर जाते हुए हाई टेंशन वायर की, और उनकी शिकायतें हैं विद्युत के फॉल्ट होने पर उसको रिपेयर करने में लगने वाले समय की, और ट्रांसफार्मरों के ख़राब होने और उनके ठीक होने में लंबा समय लगने की। उस दृष्टि से मैंने चीफ इंजीनियर साहब और अधीक्षण अभियंता साहब से आग्रह किया था कि एक बार गोरखपुर के बिजली के अभियंताओं के साथ बैठा जाए, तो ये एक प्रथम चरण की बैठक थी जिसमें SDO स्तर के अधिकारी आए थे, और इन 5 बिंदुओं पर मैंने एक खाका तैयार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने
जो कुछ लड़ाइयां हमने बिजली विभाग को लेकर लगातार लड़ी, उसकी दृष्टि से 1,83,00,000 रुपया स्वीकृत करने की सूचना हमको दी थी, जबकि पैसा उसको अभी तक आया नहीं है, आएगा क्योंकि माननीय मंत्री जी ने लिखित सूचना दी है कि हमारे क्षेत्र में बेहतरी के लिए 1,83,00,000 रुपया उन्होंने दिया है। लेकिन मुझे स्वयं ये लगता था कि ये 1,83,00,000 रुपया काम तो उससे होगा, हम आभारी हैं उनके, लेकिन पूरा काम नहीं होगा। पूरा काम होने के लिए हमें और पैसा चाहिए होगा, और पूरा काम होने के लिए डिपार्टमेंट के पास एक्चुअल रिपोर्ट होनी चाहिए कि वास्तव में काम है कितना। डिपार्टमेंट के पास जमीनी धरातल पर अब तक फाइनल रिपोर्ट ऐसी कोई थी नहीं। तो आज हम लोगों ने इन अधिकारियों को टास्क दे दिया है, पूरे हमारे विधानसभा का डिटेल सर्वे करके ये इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। आगामी 17 तारीख को हम लोग पुनः बैठेंगे और वास्तव में कितने रुपए की हमें ज़रूरत है इसका एक खाका तैयार करेंगे, और जो 1,83,00,000 रुपया आया है हम उसकी प्राथमिकता भी तय कर लेंगे कि किन किन क्षेत्रों में प्राथमिकता पर काम किया जाना ज़रूरी है, उसको हम पहले करवा लेंगे। और बचे हुए कामों के लिए 20 तारीख के बाद से विधानसभा खुलने जा रही है, हम लोग विधानसभा में भी सरकार के प्रतिनिधि इन बातों को रखेंगे। माननीय मंत्री जी बहुत सुहृदय हैं गोरखपुर को लेकर के, माननीय श्रीकांत शर्मा जी, हम उनके भी आभारी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और पावर कॉरपोरेशन के पास एक बहुत अच्छा MD है, इस समय CMD है अरविंद कुमार जी, जिनके पास एक व्यापक प्रशासनिक अनुभव है, उनसे भी हम लोगों की बात होगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि स्थिति को और बेहतर कैसे कर लिया जाए। जी बिल्कुल, चर्चा हुई है, मैंने लोगों से यह सवाल पूछा है कि नागरिकों की शिकायत दो तरह की है, एक तो मीटर के बिल अधिक आ रहे हैं और दूसरा थोड़े से भी खराबी होने पर वो मीटर बड़ा मासूम किस्म का है, बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है और ख़राब होने के बाद उसको ठीक होने में समय लगता है। विभाग का यह कहना है कि यदि कोई स्पेसिफिक शिकायत हमको दी जाएगी कि पहले जो उनके कनेक्शंस थे और आज जो उनके कनेक्शन हैं, यदि सचमुच ये लगेगा कि तुलनात्मक रूप से लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो हम सक्षम हैं कि उसको रोक करके उसकी जांच करा करके उस बिल को ठीक करें। 5-10% 20% शिकायतें तो स्वाभाविक रूप से आएंगी, क्योंकि पहले लोग, ये एक सच है कि बिजली की चोरी तो होती ही थी, अन्यथा पहले इसी गोरखपुर में 40% लाइन लॉस हुआ करता था, आज 15% लाइन लॉस है। तो स्मार्ट मीटर लगा है तो वो लाइन लॉस घट करके 5% हो जाएगा, तो ये जो 15 से 5 की यात्रा है वही तो बिल बढ़ाएगी और तभी लाइन लॉस बेहतर होगा। तो जहाँ अविश्वसनीय रूप से बिल अधिक आएगा, दूना आ गया, डेढ़ गुना आ गया, वहाँ इन लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि वो इसकी जांच करके बिल को ठीक करेंगे।